पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह अपने जनसंपर्क अभियान के तहत रविवार को बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्षद ब्रह्म यादव द्वारा सेक्टर 37C स्थित RMG सोसाइटी तथा R.K. शर्मा व राजू राणा द्वारा पालम विहार एक्सटेंशन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दोनों समारोह में पहुंचने पर आयोजकों और पार्टी पदाधिकारी व गणमान्य लोगों की मौजूदगी ने अपने लाडले नेता का हाथ उठाकर जोरदार समर्थन किया। इस अवसर पर राव नरवीर सिंह ने इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ कराटे में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले मोहित यादव व लगातार 15 घंटे 8,110 सपाटे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मनीष भारद्वाज को सम्मानित किया। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा गठन के बाद से जिस भी पार्टी या दल की सरकार बनी या जो भी मुख्यमंत्री बना, उन्होंने केवल अपने ही क्षेत्र में विकास कराने का कार्य किया। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश को विकास व रोजगार में समान भागीदारी प्रदान की। विशेषकर उनके मंत्रिकाल में गुरुग्राम क्षेत्र को विकास के मामले में बड़ी भागीदारी मिली व क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जितना विकास अहिरवाल का हुआ, उतना आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा निर्माण के समय प्रदेश में 7 जिले हुआ करते थे, जिनमें गुरुग्राम भी शामिल था। उसके बावजूद भी क्षेत्र को उनका हक नहीं दिया गया, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद सरकार ने उन्हें मंत्री बनाकर गुरुग्राम के विकास की नई राहें खोल दी। उनकी मांग पर गुरुग्राम को यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, कॉलेज, द्वारका एक्सप्रेसवे व सोहना एलिवेटेड हाईवे समेत विकास की अनेक सौगातें दी गई। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिले के विकास को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दिया जाएगा। हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मजबूत करना है। जब मैं पहली बार 2014 में यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आया, तो सही बात यह है, मैं बादशाहपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और मुझे बाकायदा कहा गया कि लोकसभा की तैयारी कर, और हमने यात्रा भी निकाली पूरे लोकसभा के सभी गाँव में, लेकिन एन टाइम पर टिकट कट गई। और जिस दिन टिकट कटी, शाम को ही पार्टी के पदाधिकारी बड़े आए, उन्होंने कहा भाई कोई सी विधानसभा एक चुन ले। तो मैंने कहा यार सबसे बेकार जो सीट है, अच्छी सीट है, मतलब जो भाजपा की जीत जाएगी। मैंने कहा गुड़गांव विधानसभा से टिकट दे देना, मुझे पता था यार जो भी लड़ेगा वो जीत जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब चुनाव समय आया तो एक हफ्ता पहले कहने लगे कि भाई गुड़गांव से तुझे टिकट नहीं देंगे। मैंने कहा साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं भाई, गुड़गांव तो यार यादव की सीट नहीं बढ़ती, बादशाहपुर बढ़ती, मगर साहब मैं हार जाऊंगा। उन्होंने कहा ना, हमने 3 सर्वे कराए, जीतेगा तो तू ही जीतेगा। मैंने कहा साहब मैं भी हार जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, तू लड़, बाकी हमारा काम तू लड़ लेगा। तो मैं मजबूरी से चुनाव लड़ा बादशाहपुर से, और इस इलाके को मैं जानता नहीं था, क्योंकि हम तो हमेशा कभी रेवाड़ी, जाटू सरना, सोना लड़े, तो इस लाइन पार और ये इस इलाके को नए को कभी नहीं लड़े। हमारे पिताजी लड़ते थे जिसमें बजगेड़े वगैरह गाँव आते थे, यहाँ से MLA रहे, सोना से MLA रहे, 2 बार गुड़गांव से रहे, मिनिस्टर रहे। मेरा कभी वास्ता अपने जीवन में इस इलाके से न सुख में न दुख में था ही नहीं। लेकिन 2014 में अपना आया तो लाइन पार सबसे पहले मेरी मुलाकात राजू राणा से हुई। ये चाचा धर्मपाल के नजदीकी था कांग्रेस का, मैं किसी को जानता नहीं था, इसके यहाँ दफ्तर था, ले लो फाटक पार करती थी, इसके पास गया। मैंने कहा राजू भाई टिकट मिली है तो मदद कर। तो उसने कहा जी मैं कर दूंगा। ये पहला आदमी सशक्त जिसने मेरी हाँ भरी। मान लीजिए विधायक बन गए, मंत्री बन गए, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 3 बार MLA बना और सीधा राजभवन गया शपथ लेने के, मैं 3 बार मंत्री बना, ये मेरा सौभाग्य रहा। इलाके में काम की जहां तक बात है, 2014 से देश में परिवर्तन हुआ। लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। साथियों 1952 से इस देश में चुनाव प्रणाली चालू हुई। सभी राजनीतिक पार्टियों ने देश की सत्ता पर हुकूमत की, लेकिन इससे पहले 14 से पहले कोई प्राइम मिनिस्टर भी बाहर जाता था तो ना आने का पता लगता था ना जाने का पता लगता। ये पहली बार है नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब दूसरे देश में जाते तो महीनों पहले वहां तैयारियां होती है दूसरे देश में। हिंदुस्तान के रहने वाले लोग उस देश में और वहां के रहने वाले लोग इंतजार करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कब आएंगे, और
महासभा विधानसभा है, मैं आपका स्टेट का मिनिस्टर हूँ, और ये ऐसे ऐसे होगा कि लोग दिल्ली में उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली में सिर्फ दो कनेक्टिविटी, एक एनजीओ एक एनएचआर। मैंने तो तीन तारीख हमें भी हमारी फ्लाइट भी छूट जाती है, किसी को मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए, दिल्ली जाना हो किसी गाँव से तो शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक बहुत बड़ा हाल होता है गाँव का। तो मैंने एक नई कनेक्टिविटी आप यहाँ कर दीजिए, सबका साथ सबका